राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह बलिदान स्थल में विवाद शुरू हो गए हैं। गढ़ा गौड़वाना संघर्ष संघ ने आरोप लगाया है, उनके और प्रशासन के बीच तय हुआ था यहाँ पर जो पत्थर लगा हुआ है उसे हटाकर नया पत्थर लगाया जाए जिस पर सारी जानकारियाँ अंकित की जाएं। यह जानकारियाँ आने वाली पीढ़ी के लिए काफी लाभप्रदायक सिद्ध होंगी और वर्तमान का युवा भी अमर बलिदानी रघुनाथ शाह शंकर शाह के बारे में जान सकेगा। गढ़ा गौड़वाना संघर्ष समिति का आरोप है जो पत्थर लगाया जा रहा है उसमें बहुत सारी जानकारियों का जिक्र नहीं किया गया है जो साझा समझौते का खुला उल्लंघन है। प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा, यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसमें सभी लोगों को निमंत्रित किया गया है, सभी के साथ मंच साझा किया जाएगा। आयोजन समिति अपना कार्यक्रम पहले ही तय कर चुकी है। सरकार और प्रशासन के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने किसी भी टिप्पणी से इनकार किया। उन्होंने कहा, राजनीति करना सरकार का काम है, उसे रोका नहीं जा सकता, वह अपना काम कर रहे हैं। इसको भी मैंने ये माता यहाँ से फोटो लेके रखी है और दूसरा टीका मैं आपको ये जो है पुराना शिलालेख था, हम खुद बोले कि हम नया शिलालेख लगा लेंगे, हमको जरूरत नहीं है। नहीं बोला उन्होंने हम लगा लेंगे, तो लगाने के समय हमने बोला था कि ये शिलालेख में लिखना चाहिए। तो हमारे नामों पे जो कोताही बरती जा रही है उसको जीता जागता प्रमाण जो अभी मिल रहा है कि शंकर शाह रघुनाथ शाह कुंवर भी भूल गए, राजा भी भूल गए, गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ये पलक पे लिखा जाए। ये लिखने से हमारे लोगों को और भी जनमानस को जबलपुर में 52-57 परगना का कंट्रोल था, यहाँ साम्राज्य की राजधानी पूर्वा भी थी, ये लिखने से सबको एक मैसेज जाएगा। अगर ये नहीं लिखते हैं प्रोग्राम तो होगा लेकिन इसका आम पब्लिकों में हम लोग मंच के द्वारा संचालन भी करेंगे।